जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा मनोनुशासन, मन पर हमारा अनुशासन हो। अनुशासन की एक परंपरा अनेक क्षेत्रों में चली है, शब्दानुशासन, जिसके द्वारा शब्द का साधन किया जाता है, सिद्धि की जाती है, शब्दानुशासन बना। जहाँ लिंगों का ज्ञान होता है तो लिंगानुशासनम बना, जहाँ काव्य का ज्ञान होता है तो काव्यानुशासन बना। अपने अपने क्षेत्र का अलग अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना कोई भी विधा विकसित नहीं हो सकती, सबका अपना अनुशासन है। तो मन को विकसित करना, मन को शिक्षित करना, दीक्षित करना, उसके लिए भी एक अनुशासन है, मनोनुशासन। और आवश्यक है भावानुशासन, भाव का भी हम अनुशासन करें। आत्मानुशासन का अर्थ है भावानुशासन, हम भावों को अनुशासित कैसे करें। और इसका कारण कि हमारे सारे व्यवहार का संचालन भावों के द्वारा होता है। भाव मन पर उतरते हैं तो मन का संचालन होता है, और जब शरीर पर उतरते हैं तो शरीर का संचालन होता है। तो पहला हमारा शरीरानुशासन, फिर मनोनुशासनम, और फिर भाव जगत भावानुशासन। अनुशासन की भूमिका हमारे भाव है। जब तक कोई बात मन के स्तर पर रहती है तब तक आत्मानुशासन का विकास नहीं हो सकता। आत्मानुशासन का विकास तभी संभव है जब भाव पर हमारा नियंत्रण हो जाए। विवेक और नियंत्रण, एक विवेक हो गया, अच्छा है बुरा है, हित है अहित है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, हमारी विवेक चेतना जागृत हो गई। किंतु विवेक चेतना का काम तो पृथककरण है, अलग कर दिया, रास्ता दिखा दिया, यह हित है तुम्हारा, इसमें अहित है। पर दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो हित को जानते हुए भी हित का आचरण नहीं करते, अहित के रास्ते पर जाते। इसका तात्पर्य है कि विवेक से ही कोरा काम नहीं होता, विवेक से आगे एक शक्ति है, वह हमारी नियंत्रण की शक्ति है। बस जिस व्यक्ति में जितनी अधिक विकसित है नियंत्रण की शक्ति, वह व्यक्ति आत्मानुशासी हो सकता है, उसका अपने पर अनुशासन हो सकता है। अब हमारे सामने तो प्रश्न है कि उसका विकास कैसे हो। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया
अपाचेव दमे अब्बो, आत्मा पर अनुशासन करो। दमन अनुशासन है, दमन का अर्थ कोई दंड देना नहीं, दमन अनुशासन है। आत्मा पर अनुशासन करो और कोई दूसरा तुम पर अनुशासन न करे तो उसके उपाय बतलाए कि तप और संयम। आत्मा अप्पा चेव दे अप्पाहु खलु दुद्दमो, अप्पा दंतो सुई हुई अस्थिंग लोए परत थे, और बरंग में अप्पा दंतो संयमेण तवीन। संयम और तप के द्वारा मैं अनुशासन करूं अपने आप पर। फिर वही प्रश्न होगा कि संयम आए कैसे, प्रश्न वही रहता है। दसवीं कालिक में बतलाया गया, आया खलु सयंग रखी अब्बो, अप्पा खलु सयंग रखी अब्बो, आत्मा की रक्षा करो। ये आत्मा को रक्षित करने का उपाय आत्मानुशासन है, पर उसका साधन कि इंद्रियों को समाहित करो। अनुशासन में नियंत्रण में बाधा डालने वाली है हमारी इंद्रियां। जब तक इंद्रियों पर हमारा अनुशासन नहीं, आत्मानुशासन नहीं हो सकता। तो पहले इंद्रियों पर अनुशासन करो तो फिर आत्मा पर अनुशासन होगा। मूल प्रश्न वही है कि कैसे करें, ज्ञान के द्वारा करें, श्रुति एक आलंबन है और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और साधना के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, किंतु और मूल तक जाएं, इंद्रियों में भी मन में भी चंचलता पैदा करने वाला कौन है, उस पर किसका नियंत्रण है। लोहे पर अग्नि का नियंत्रण है, अग्नि पर जल का नियंत्रण है, जल पर वायु का नियंत्रण है। एक नियंत्रण की एक लंबी श्रृंखला मिलती है और उन सब पर मन का नियंत्रण है। मन पर नियंत्रण किसका है, भाव का नियंत्रण है। अब भाव को विचलित करने वाला तत्व कौन है। हमारा अमूर्त जैसा, अमूर्त तो नहीं है पर अमूर्त जैसा बना हुआ भाव भीतर में है जो बाहर नहीं आता, उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है, उसे विचलित कौन कर रहा है। इस विषय में प्राण पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। नियंत्रण की शक्ति का मूल स्रोत है प्राण। आयुर्वेद में और हठ योग में पांच प्रकार के प्राण बतलाए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पांच प्राण है। इन पांचों पर नियंत्रण करना जरूरी है। जब तक प्राण पर नियंत्रण नहीं होता, आत्मानुशासन की बात पूरी नहीं होती। इनका अपना अपना कार्य है। सारी साधना की पद्धति, योग की पद्धति, वह प्राण पर आधारित अथवा प्राण से संबद्ध पद्धति है कि प्राण पर विजय हम कैसे करें। क्रोध विजय, अहंकार विजय, माया विजय, लोभ विजय, इंद्रिय विजय, ये सब हमारे सामने विजय के क्षेत्र हैं कि इन सब को जीतना है, इनको जीतना है। इनको जीते बिना आगे बढ़ नहीं सकता। एक राजा बार बार शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा था और विजयी भी हो रहा था, और एक दिन सब शत्रुओं को जीतकर अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हुआ और बड़ा खुश लगा। माँ ने महत्व नहीं दिया, माँ का भक्त था राजा, माँ ने कोई महत्व नहीं दिया तो उदासी आ गई और बोला, माँ मैं तो सब शत्रुओं को जीतकर विजयी होकर आया हूँ, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम प्रसन्न नहीं हो,
तो तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता बनती है, तुम्हारी अप्रसन्नता मेरी अप्रसन्नता बन जाती है। ये क्या, आज तो तुम्हें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा कौन सा बड़ा काम किया, कौन सा बड़ा किया? तो बड़ा तो आई मैं सर्वजीत होकर आया हूँ, सर्वजीत। माँ ने कहा, सर्वजीत होकर कहाँ जाए, हजारों स्त्रियों को तूने विधवा बना दिया, रुला दिया, माताओं को रुला दिया, कौन सा बड़ा काम करके आया? न रणे विजया छूरो, कोई रण में विजय करने से कोई शूर नहीं होता, सर्वजीत नहीं होता। तो कैसे होता है माँ? तब बोला कि माँ बोली कि अगर तू अपनी आत्मा पर अपने मन पर नियंत्रण करके आता तो मैं तुझे कहती सर्वजीत तुम भविष्यसि, तू सर्वजीत हो गया, पर तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। तब उसको एक बोध मिला और एक रास्ता मिल गया। तो विजय होता कैसे है? हम विजय के बाह्य उपचार करते हैं, किंतु विजय में बाधा डालने वाला है प्राण। जब तक प्राण को न समझा जाए और प्राण पर नियंत्रण न किया जाए तो शायद समस्याएं पैदा होती है। तो हमें आत्मानुशासन पर विचार करते समय नियंत्रण की शक्ति पर विचार करना चाहिए कि हमारी नियंत्रण की शक्ति बढ़े। और नियंत्रण की शक्ति है वह इंद्रिय जयी हो सकता है, सामने अच्छे प्रसंग आए पर इतना नियंत्रण है कि वह कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, बीदासर में एक व्यक्ति को देखा जो शक्तिशाली आदमी था, प्रभावी था। एक दिन मेरे सामने बैठा था और एक पूरी मंडली थी उनकी बैठी थी, और बोले कि ये आदमी ऐसा है, वह स्वयं बोला, दूसरे भी बोले कि धार्मिक यह काम नहीं करूंगा, शायद देवता भी इसको विचलित नहीं कर सकता। लंबी चौड़ी बात हुई और मैंने पूछा, संतोष जी बोलो कैसी बात, क्या है ये, क्या स्थिति है? कहने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दिन मेरे मित्रों ने मेरे नियंत्रण शक्ति की परीक्षा करने के लिए रात के समय एक कमरा था और कमरे में वेश्या को रख दिया, भेज दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। जब विवाह शादी का प्रसंग था और उस पुराने जमाने में विवाह शादी में वेश्याओं को लोग बुलाते थे, आई उस निमित्त से वह आई हुई थी और बंद कर दिया। पूरी रात भर हम दो ऐसा कमरे में बंद रहे, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, वह कुछ नहीं कर सकी मैं। एक प्रसिद्ध बात है संतोष जी दुगड़ की, ये कैसे हुआ कि उस नियंत्रण की शक्ति इतनी ज्यादा थी। आत्मानुशासन के लिए सबसे पहले कोई करना है विकास तो नियंत्रण की शक्ति का विकास। हमारी ऐसी नियंत्रण की शक्ति बढ़ जाए कि सामने कुछ भी आए हमें विचलित न कर सके, कोई परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। इस स्थिति का विकास हो तब आत्मानुशासन की स्थिति आती है। यह नहीं होता, नियंत्रण की शक्ति नहीं होती, न मन पर नियंत्रण न इंद्रियों पर नियंत्रण, बस एक कटु शब्द कहा इतने में तो आकाश पाताल एक हो जाता, क्योंकि उसमें नियंत्रण की शक्ति नहीं है कि अपने आवेश पर नियंत्रण कर सके। जिसमें आवेश पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है वह बार बार स्वयं व्यथित होता है और दूसरों को भी व्यथित करता है, स्वयं दुखी बनता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है, कारण नियंत्रण की शक्ति नहीं है। अब नियंत्रण की शक्ति हमारी कैसे बढ़े? बहुत वर्ष पहले मन में एक प्रश्न आया कि
विशिष्ट साधना करने वाले नासाग्र पर ध्यान क्यों करते? भगवान महावीर ध्यान करते थे, नासाग्र पर उनका ध्यान, नासग्र निमीय दिट्ठी, नासाग्र पर दृष्टि निमित होती थी, स्थापित होती थी। नासाग्र पर ध्यान का बहुत बड़ा महत्व अनेक ग्रंथों में मिलता है, ये क्यों? फिर खोजते खोजते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्राण का मुख्य केंद्र है। पांच प्राणों में एक प्राण है प्राण, जिसका नाम है, प्राण का मुख्य केंद्र है। प्राणो नासाग्र हिन्नाभि पादांगुष्ठांत गोचरे, प्राण का मुख्य स्थान है नासाग्र, और नासाग्र पर ध्यान, बस अनिमेश दृष्टि, अनिमिषा दिट्ठि, नासग्र निमीय दिट्ठि, नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई है। इसका तात्पर्य समझने का प्रयत्न किया तो यह स्पष्ट हुआ कि प्राण पर नियंत्रण करने का एक शक्तिशाली केंद्र हमारा है, यह प्राण केंद्र, यह नासाग्र। जो व्यक्ति नासाग्र पर 2-3 घंटा ध्यान कर लेता है तो फिर उसमें नियंत्रण की शक्ति कल्पना से अधिक बढ़ जाती है। बहुत कठिन है अनिमिषाये दिट्ठिये, अनिमेश दृष्टि के द्वारा बहुत कठिन है, आंखों की शक्ति पर भी विचार करना होता है, पर जो अनिमेश दृष्टि से करे उसकी तो और ही अलौकिक बात हो जाती है। पर आंख को बंद कर भी करे तो स्वयं को अनुभव होता है कि प्राण शक्ति बढ़ रही है, प्राण पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है, और स्वयं अनुभव करके देख ले, जैसे ही प्राण केंद्र पर ध्यान होगा और अपने आप हाथों का संचालन हो जाएगा, मुट्ठी बनने लग जाएगी, बंद होने लग जाएगी। प्राण पर हम नियंत्रण करें अनिमेश दृष्टि के द्वारा बहुत कठिन है, आंखों की शक्ति पर भी विचार करना होता है, पर जो अनिमेश दृष्टि से करे उसकी तो और ही अलौकिक बात हो जाती है। पर आंख को बंद कर भी करे तो स्वयं को अनुभव होता है कि प्राण शक्ति बढ़ रही है, प्राण पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है, और स्वयं अनुभव करके देख ले, जैसे ही प्राण केंद्र पर ध्यान होगा और अपने आप हाथों का संचालन हो जाएगा, मुट्ठी बनने लग जाएगी, बंद होने लग जाएगी। प्राण पर हम नियंत्रण करें, आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में पांच प्राणों के विजय का बहुत अच्छा विवेचन किया है कि जिस प्राण पर नियंत्रण करना हो, जिस पर विजय पानी हो, तो उसका जो शरीर में केंद्र है वहाँ ध्यान कर लो, स्थापित कर लो, और फिर श्वास के आने जाने पर ध्यान टिका दो, श्वास लेते समय ध्यान टिकाओ और उस पर करो, तो हर प्राण पर हमारी विजय हो सकती है। फिर नासाग्र का एक अर्थ और अधिक समझ में आता है कि हमारा नाक इतना महत्वपूर्ण है कि नासाग्र नाक के जो तंतु है वे मस्तिष्क से सीधे जुड़े हुए हैं। इसका कारण कि मनुष्य के मस्तिष्क की 3 परतें हैं, उनमें एक जो प्रारंभिक परत है एनिमल ब्रेन भी उसको कहते हैं, एनिमल ब्रेन है, यानी जितनी ये वासनात्मक वृत्तियां, हिंसा, उत्तेजना, आवेश, जिनको पार्श्विक वृत्ति कहते हैं, उन सारी पार्श्विक वृत्तियों का केंद्र है वह हमारा एनिमल ब्रेन, और एनिमल ब्रेन का संबंध प्राण नासाग्र के साथ या नाक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महा
महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।